हेलो दोस्तों, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी क्वेश्चन को डिस्कस किया, उसके सॉल्यूशंस देखे, और उस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 14 तक ही कर पाए थे। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने किया था, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से आगे करेंगे। तो सेक्शन सी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पहले देख लें। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, जनरली इट इज़ ऑब्जर्व दैट ह्यूमन मेल्स सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया मोर देन ह्यूमन फीमेल्स हु रेयरली सफ़र फ्रॉम इट, एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स। तो आप जान रहे हो कि ह्यूमन मेल्स जो हैं वो ज़्यादातर हीमोफीलिया से सफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन फीमेल्स जो बहुत ही रेयर सफ़र करती हैं। तो आपको एक्सप्लेन करना है बाई गिविंग रीजन्स। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन हमें एक्सप्लेन करना है कि मेल्स ज़्यादा क्यों सफ़र करते हैं और फीमेल्स बहुत ही रेयर हीमोफिलिक क्यों होती हैं। तो सबसे पहले, चूँकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें ये लिखना चाहिए कि हीमोफीलिया इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, इट इज़ अ मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज़। हम लोग देखेंगे कि कारण क्या है। तो जीन इज़ लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। जीन कहाँ लोकेटेड होता है? एक्स क्रोमोजोम्स में, एंड हैंस इन मेल्स एक्स वाई। आपको पता है कि मेल्स में सिर्फ एक्स वाई क्रोमोजोम्स होते हैं। सिंगल जीन फॉर डिफेक्ट इज एबल टू एक्सप्रेस। तो जहाँ इस सिंगल एक्स क्रोमोजोम्स में भी डिफेक्ट हुआ तो इट इज एबल टू एक्सप्रेस। सो दैट्स वाई मेल्स आर मोर सफरर देन द फीमेल्स। बिकॉज वॉट हैपन इन केस ऑफ फीमेल्स? तो फीमेल्स में हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल्स कंटेन टू एक्स क्रोमोजोम्स, एंड फीमेल्स सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि दोनों के दोनों एक्स क्रोमोजोम्स जब तक अफेक्टेड नहीं होंगे तब तक फीमेल हीमोफिलिक नहीं होगी। और ऐसा कंडीशन तभी हो सकता है जब मदर हीमोफिलिक हो या कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक हो। सो दैट्स वाई फीमेल्स आर रेयरली सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़। तो मेल के लिए हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ये जो एक्स है केवल एक ही प्रेजेंट है और यही अगर अफेक्टेड हो जाएगा तो एक्सप्रेस हो जाएगा मेल में। इसलिए ज़्यादातर कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि मेल जो है वो सफ़र करता है हीमोफीलिया से, एंड फीमेल जो है वो बहुत ही रेयर सफ़र करती हैं, बिकॉज दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स को अफेक्ट होना ज़रूरी है, होमोजाइगस कंडीशन यहाँ होना ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब मदर कैरियर हो या हीमोफिलिक हो और फादर तो हीमोफिलिक हो। दूसरा पार्ट हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि बहुत से बच्चों ने 15 का दूसरा पार्ट भी अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, तो देख ले ये कैसे बन सकता है। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है F1 प्रोजेनी ऑफ पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर्स एंड स्नैप ड्रैगन प्लांट बियरिंग रेड फ्लावर्स। तो हम लोग दो प्लांट यहाँ पर ले रहे हैं, पी प्लांट, और यहाँ जो पी प्लांट का कैरेक्टर ले रहे हैं दैट इज़ वायलेट फ्लावर, और स्नैप ड्रैगन का जो यहाँ प्लांट हम लोग ले रहे हैं वो है रेड फ्लावर्स। तो ये दोनों का हम लोग अलग अलग F1 प्रोजेनी ले रहे हैं। तो जहाँ हम लोग वायलेट फ्लावर्स को देखते हैं, वायलेट फ्लावर्स को अगर हम लोगों ने देखा तो हम लोग क्या देखेंगे कि वायलेट फ्लावर्स जो F1 प्रोजेनी का होगा वो कैसा कंडीशन में होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि वायलेट फ्लावर इज़ द डोमिनेंट। तो डोमिनेंट है, मगर F1 प्रोजेनी का अगर वायलेट फ्लावर है तो वो कैसा होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन, है ना। और स्नैप ड्रैगन में हम लोग रेड फ्लावर्स देख रहे हैं तो देयर विल बी नो चांस, यहाँ तो दोनों के दोनों होमोजाइगस कंडीशन में ही होंगे और होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब इन दोनों को आपस में सेल्फ किया गया, यानी कि वायलेट, दो वायलेट फ्लावर्स जो हैं F1 प्रोजेनी के, इन दोनों को आपस में जब क्रॉस किया गया, या दो रेड बियरिंग स्नैप ड्रैगन जो हैं, रेड फ्लावर्स बियरिंग स्नैप ड्रैगन को आपस में सेल्फ किया गया, और इनसे जब हमें F2 प्रोजेनी मिला तो क्या मिलता है? तो आप जान रहे हो कि ये सिचुएशन तो बिल्कुल टॉल पी प्लांट, जब हम लोगों ने टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस किया था तो वैसे ही सिचुएशन हमें मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि दो को जब आप क्रॉस करोगे इसको, यानी कि आपस में सेल्फ क्रॉस करेंगे, तो यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलने वाला है? तो सबसे पहले फिनोटाइप को हमें एक्सप्लेन करना है। तो वायलेट फ्लावर्स को जब हम लोग क्रॉस करेंगे, क्यों, आप बस ध्यान रखें कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, इन दोनों को जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। जबकि स्नैप ड्रैगन के केस में हम लोग क्या देखेंगे, दोनों के दोनों ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे
और इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो या जीनोटाइपिक रेशियो हो, दोनों के दोनों वन ही होंगे, कोई रेशियो नहीं आएगा, क्योंकि ये सब के सब रेड कलर के ही फ्लावर होंगे और इनका जीनोटाइप कैपिटल आर ही होगा। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस अगर हम लोग देखें तो बोथ आर फॉलोइंग दी लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आई होप क्वेश्चन नंबर 15 का आपको ये दोनों पार्ट समझ में आया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द चेंजेस दैट मिल्क अंडरगोज व्हेन सुटेबल स्टार्टर और इनोक्युलम इज एडेड टू इट। हाउ डज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मिल्क में जब हम लोग सुटेबल स्टार्टर या इनोक्युलम डालते हैं तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है, और इसका एंड प्रोडक्ट जो होगा वो कैसे ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मिल्क में क्या चेंजेस आएगा, चेंजेस पहले बताना, और उसके बाद फिर ये कैसे बेनिफिशियल है वो बताना है। तो यहाँ इनोक्युलम या स्टार्टर डालने का मतलब ही हम लोग समझ जा रहे हैं कि यहाँ दूध से दही बनाया जा रहा है, यानी मिल्क से कर्ड बनाया जा रहा है। तो मिल्क में सबसे पहले लैक्टोज शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड, और जो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन होता है दैट इज़ कैसीन, ये क्या हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट, मिल्क से ज़्यादा आसानी से कर्ड को पचाया जा सकता है क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है उसका पहले से ही पार्शियली डाइजेशन हो जाता है। और साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लास्ट में जो प्रोडक्ट बना यानी कर्ड बना, तो वो कैसे बेनिफिशियल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो हम लोगों को पता है कि जो उसका विटामिन B12 कंटेंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ। तो आप क्या देखते हो कि विटामिन B12 का कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से ये बेनिफिशियल हो जाता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो आप देख रहे हो कि पहले तो टेस्ट और टेक्सचर भी चेंज हुआ, साथ ही साथ इजी टू डाइजेस्ट हुआ, और जो इसका विटामिन कंटेंट है ये भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एलियन स्पीसीज इन्वेशन हैज़ बीन अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, justify with the help of suitable example, list any other three causes responsible for such a loss. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं alien species invasion has been threat to biodiversity. Biodiversity को हमेशा से खतरा होता है जब उसके habitat में कोई दूसरा species आ जाए और रहने लग जाए। तो alien species invasion always or sometime lead to loss of biodiversity. अब इसे हमें जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज़ नाइल पर्च। नाइल पर्च जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में इन ईस्ट अफ्रीका, और जिसकी वजह से 200 स्पीसीज जो है सिकलेट फिशेस के वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहाँ पे बहुत बिग लॉस हुआ था बायोडाइवर्सिटी का, 200 स्पीसीज ऑफ सिकलेट फिश गेट एक्सटिंक्ट। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे वाटर हियासिंथ, लैंटेना, या कैरेट ग्रास, या अफ्रीकन कैटफिश, है ना, क्लैरियस गैरीपेनियस। तो ये सब जो हैं वैसे एलियन स्पीसीज़ हैं जिनको किसी दूसरे स्पीसीज़ के हैबिटेट में लाते ही वहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का डर होता है। तो ये इसका एक सुटेबल एग्जाम्पल हो गया। लिस्ट एनी अदर थ्री कॉजेज, और आपको और भी तीन दूसरे कॉजेज बताने हैं। तो तीन अदर कॉजेज हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शन। तो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये चार मेन कारण होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यही लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में एक टेबल बना हुआ है जिसमें हम लोग देख रहे हैं एक तरफ क्रॉप्स है, दूसरी तरफ वैरायटी है, और तीसरे में रेजिस्टेंस टू डिजीज़ है, और कुछ फिलअप्स हैं जिसमें ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के उस टेबल से ये लिया गया है, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो क्रॉप है, इस क्रॉप का नाम हमें बताना है, ए बताना है, और इसका वैरायटी दिया हुआ है पूषा सदाबहार, और यहाँ पे साथ में हमें ये भी बताना है कि ये किस बीमारी से रेजिस्टेंट है।
तो सबसे पहले पूछा सदाबहार किस वेराइटी का है, तो ये हमें याद होना चाहिए, इट इज़ द वेराइटी ऑफ चिली, यानी ए क्या हो गया, चिली हो गया। और ये किस किस बीमारी से रेजिस्टेंट है तो याद रहना चाहिए, बिल्कुल लर्न करने वाला ये क्वेश्चन था। तो ये आप देख रहे हो चिली मोजाइक वायरस, याद होना चाहिए टोबैको मोजाइक वायरस। आपको इसी तरीके से लर्न करना है बच्चों, ताकि आप नीट में भी अच्छा कर सके, क्योंकि ये सारे टेबल्स वगैरह जो होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल, तो ये तीन तीन बीमारियां हैं। हालांकि हम लोग इसमें से कोई एक भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ए हो गया चिली, और बी में आप चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस या लीफ कर्ल भी लिख सकते हैं। सी जो है ये हमें नहीं पता, डी भी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें बीमारी पता है वाइट रस्ट। तो वाइट रस्ट हमें बेसिकली किस में देखने को मिलता है, तो इसी से आपको हिंट लेना है, ये हमें देखने को मिलता है ब्रासिका में, यानी कि हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है। और हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैरायटी है उसका नाम क्या है, पूषा स्वर्णिम, पूषा स्वर्णिम। तो यहाँ पर हम लोग डी में क्या हो जाएगा, ये पूषा स्वर्णिम। लास्ट हम लोग देख लेते हैं हिमगिरी, हिमगिरी वैरायटी बिल्कुल लर्न रहना चाहिए, ये वीट क्रॉप का वैरायटी है। और ये किससे किससे रेजिस्टेंट है, तो हम लोग देखते हैं लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिल बंट। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि हमें बहुत अच्छी तरीके से लर्न रखनी है, वैरायटी के साथ और क्रॉप्स के नेम के साथ। तो ये डायरेक्ट टेबल से, एनसीईआरटी के चैप्टर डायरेक्ट टेबल से ये पूछा गया है, और इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। दूसरा पार्ट, कुछ बच्चों ने दूसरा पार्ट भी किया होगा, शायद ये लर्न नहीं हो तो दूसरा पार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि टाइम बहुत कम लगता है ना, अगर ये आपको लर्न हो तो बस फटाफट आप लिख देंगे, लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। एनीवेज हम लोग यहाँ देखेंगे व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग की आपको डेफिनेशन देनी है। तो हम लोग जानते हैं कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिज़ायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर हेल्दियर, है ना, और सूटेड फॉर द कल्टिवेशन, गिव्स बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट। तो ये सारी जो टेक्निक जिसमें हम लोग ऐसे डिज़ायर्ड प्लांट्स को क्रिएट करते हैं, प्लांट टाइप्स को क्रिएट करते हैं, तो ये कहलाता है प्लांट ब्रीडिंग। एक बार फिर से सुनिए, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिज़ायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर हेल्दियर, सूटेड फॉर कल्टिवेशन, गिव्स बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट। दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन द टू स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, दो स्टेप्स हमें बताने हैं क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में। तो ये आप जानते हो क्या होता है, पहला स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा स्टेप होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये दोनों पार्ट हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लें ये क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन थ्री स्टेप्स कैरिड आउट इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग द एंजाइम इको आर वन। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो इको आर वन है ना, ये क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका मेन काम क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसका एक खास सीक्वेंस होता है जहां पर जाकर ये कट करता है ना, डीएनए को एक खास सीक्वेंस में कट करता है, और फिर ये सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। और फिर हम लोग देखते हैं डीएनए लाइगेज की मदद से डीएनए को जोड़ा जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ बच्चों की एनसीईआरटी का जो ये डायग्राम है पेज नंबर 196 में, जो ये तीन डायग्राम है, बस यही तीन स्टेप्स हैं जिससे आप आरडीएनए बना सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो इको आर1 है ना, इसका एक खास रेस्ट्रिक्शन साइट होगा जहाँ पर ये आपको पता है कि जी और ए के बीच में कट करता है, ठीक है ना।
तो रेस्ट्रिक्शन साइट जो हम लोग रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस देखते हैं इसका, वो है जी ए ए टी टी सी, और जी और ए के बीच में ये हमेशा कट करेगा। तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए इन दोनों को सेम एंजाइम से हम लोग कट करते हैं, और कट करते ही क्या होगा, सेम स्टिकी एंड दोनों में प्रोड्यूस होगा। और ये सेम स्टिकी एंड जैसे ही प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देंगे, और ये बन गया आरडीएनए। तो बस सिर्फ ये तीन स्टेप्स लिखने थे आपको, ये तीन डायग्राम्स बना देने थे आपको, और ये जवाब आपका कंप्लीट हो जाता। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। नेम एनी टू नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स, गिव रीजंस दैट मेक देम एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स, राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक द इंजीनियर्ड वेक्टर्स आर मेड टू पॉसेस। तो यहाँ पे तीन पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट जिसमें आपको दो क्लोनिंग वेक्टर्स के नाम बताने हैं। दूसरा पार्ट जो आपको बताना है कि ऐसा क्या है इनमें जिसकी वजह से क्लोनिंग वेक्टर की तरह ये काम करते हैं। और तीसरा पार्ट आपको ये है कि आपको दो कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं इंजीनियर्ड वेक्टर्स, जो मतलब बनाए जाते हैं, जो वेक्टर्स आर्टिफिशियली जो बनाए जाते हैं उनका आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि जो दो नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो हैं प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज। जो दो हैं वो क्या क्या हैं, प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। अब हम लोगों को पता है कि प्लास्मिड जो है वो स्मॉल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो खुद से क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस हम लोग देखते हैं वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है, तो हम लोग देखेंगे कि एक खास जो कैरेक्टर्स है इनके पास वो है कॉपी नंबर। तो कॉपी नंबर जो है वो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इनटू सेल, और इस वजह से ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम कर सकता है, किसी को भी क्लोन्ड कर सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर डीएनए को इनके साथ, आरडीएनए को अगर हम लोगों ने इनके साथ इंसर्ट किया है और ये वेक्टर ये किसी होस्ट में जाता है, तो ये क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है। तो इनके पास जो है कॉपी नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक द इंजीनियर्ड वेक्टर्स आर मेड टू पॉसेस। दो ऐसे कैरेक्टर आपको बताने हैं जो इंजीनियर्ड वेक्टर्स जो बनाए जाते हैं वो खासकर कंटेन किए हुए रहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इनके पास जो है यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होता है। पहला हम लोग देखते हैं यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट फॉर इंसर्शनल क्लोनिंग, और दूसरा हम लोग देखते हैं जेनेटिक मार्कर टू सेलेक्ट फॉर होस्ट सेल containing the vectors। तो किस होस्ट सेल में वेक्टर्स गया है इसका पता लगाने के लिए भी कोई जेनेटिक मार्कर होना जरूरी है। तो आप देखते हैं इंजीनियर्ड वेक्टर्स जो होते हैं उनको इसीलिए बनाया जाता है, और यही दो खास कैरेक्टर्स इसके हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन एसेंशियल डीएनए एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 20, नेम टू नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स, तो प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज, गिव रीजन दैट मेक देम एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स, बिकॉज आपको पता है कि प्लास्मिड जो है वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग बॉडी है, और हम लोग देखेंगे कि जो बैक्टीरियोफेज है वो वायरसेस हैं, और वायरसेस जो होते हैं जैसे ही किसी बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं वो उस बॉडी का मैकेनिज्म
जो है अडेप्ट कर लेते हैं और रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल का कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉपी नंबर है, दैट इज़ द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन अ सेल, ये बहुत हाई होता है। सो दैट्स वाई दे आर एक्ट एज अ और मेक देम एक्ट एज अ क्लोनिंग वैक्टर्स। और इंजीनियर्ड वेक्टर्स का जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट फॉर इंसर्शनल क्लोनिंग, और दूसरा हम लोग देखते हैं जेनेटिक मार्कर टू सेलेक्ट फॉर होस्ट सेल कंटेनिंग दी वेक्टर्स। अब सेक्शन सी का ही हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख ले, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉमन जेलिज्म म्यूचुअलिज्म टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन विद द एग्जाम्पल ऑफ विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आपको पता है कि कॉमन जेलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है दो स्पीसीज के बीच जिसमें एक स्पीसीज तो बेनिफिट होता है और दूसरा नाइदर गेट बेनिफिटेड नॉर गेट हार्म्ड। तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कॉमन जेलिज्म का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं ऑर्किड, ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ट्रीज, है ना, गेटिंग शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द मैंगो प्लांट, बट मैंगो ट्री नाइदर गेट हार्म्ड नॉर गेट बेनिफिटेड। तो ऑर्किड और मैंगो ट्री के बीच में हम लोग देखते हैं कि कैसा रिलेशन है, कॉमन जेलिज्म का है। इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोगों को एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, मगर ये एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच बोथ द स्पीसीज गेट बेनिफिटेड, जिसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लाइकेन या माइकोराइजा आप दे सकते हैं। लाइकेन इज़ द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, फंजाई गिव शेल्टर टू द एल्गी एंड एल्गी प्रिपेयर्स फूड टू फॉर द फंजाई। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, आसानी से कॉमन जेलिज्म और म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। चलिए, तो ये था सेक्शन सी, और अब हम लोग डील करेंगे सेक्शन डी। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको लाइक करने का मन नहीं हो, शेयर करने का मन नहीं हो, सब्सक्राइब करने का मन नहीं हो तो ना करें, मगर एक काम ज़रूर करें और वो है पढ़ाई। तो पढ़ाई ज़रूर करें और नीट क्वालिफाई करने की कोशिश करें। चलिए, तो सेक्शन डी हम लोग आ जाते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं इंसुलिन इज़ द ह्यूमन बॉडी, इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी इज सिक्रीटेड बाई पैनक्रियाज एज प्रो हार्मोन। तो हमें पता ही है कि इंसुलिन जो है एज अ प्रो हार्मोन रिलीज होता है। द स्कीमेटिक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन इज गिवन बिलो। दिस प्रो इंसुलिन नीड्स टू अंडरगो प्रोसेसिंग बिफोर इट बिकम्स फंक्शनल इन द बॉडी। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ तीन क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का है, तो ये हम लोग देखें क्या पूछना चाह रहा है। स्टेट द चेंज द प्रो इंसुलिन अंडरगोज एट द टाइम ऑफ इट्स प्रोसेसिंग टू बिकम फंक्शनल। तो प्रो इंसुलिन को फंक्शनल करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है? तो इसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको हम लोग कहते हैं सी पेप्टाइड। याद आ रहा है कुछ? तो सी पेप्टाइड उसका क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है ना। तो हम लोग देखते हैं रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, ये चेंज आते ही वो कैसा हो जाता है, इंसुलिन फंक्शनल हो जाता है। नेम द टेक्निक द अमेरिकन कंपनी एली लिली यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। कौन सा टेक्निक है बच्चों? नो डाउट आरडीएनए टेक्निक, है ना। तो आरडीएनए टेक्निक की मदद से ही एली लिली कंपनी जो है, अमेरिकन कंपनी जो है, वो ह्यूमन इंसुलिन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने में कामयाब हुई। हाउ आर द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अ फंक्शनल इंसुलिन केमिकली हेल्ड टुगेदर, कैसे होता है? तो बाई डाई सल्फाइड बॉन्ड्स और ब्रिजेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाई डाई सल्फाइड ब्रिजेस। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आया हो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें सीधा हम लोग देखते हैं कि पेरेंट फीमेल हनी बी है, 32 क्रोमोसोम्स यहाँ दिया हुआ है और यहाँ मेल हनी बी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें पता है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, और फिर यहाँ पर दोनों गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं और फिर फीमेल हनी बी बना रहे हैं और यहाँ पर से मेल हनी बी बना रहे हैं। तो यहाँ आपको पता है कि 32 क्रोमोसोम्स और यहाँ जो गैमेट्स बनेगा वो किस प्रोसेस से बनेगा, तो मियोसिस से बनेगा,
क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द सेल डिवीजन ए एंड बी दैट लीड टू गैमेट फॉर्मेशन इन फीमेल एंड मेल हनी बीज रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ बनेगा किससे, मियोसिस से. और मेल हनी बी चूंकि ये पहले से हैप्लॉयड होता है और गैमेट्स को भी हैप्लॉयड बनाना है, तो बी क्या होगा, माइटोसिस, है ना. तो आप देख रहे हो कि यहाँ 32 क्रोमोसोम्स है, दैट इज डिप्लॉयड, और ये है हैप्लॉयड. तो यहाँ होगा क्या, मियोसिस. क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो रहा है और यहाँ सेम क्रोमोसोम्स रह रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस. अब यहाँ गैमेट से सीधा जब मेल हनी बी बन जाए तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस, तो सेकेंड पार्ट आपको यही पूछा जा रहा है, प्रोसेस बताना है, तो आप क्या बताएंगे, पार्थिनोजेनेसिस या अरहेनोटॉकी, आप कुछ भी बोल सकते हैं. चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी द एज पिरामिड्स ए बी सी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव. तो यहाँ आप देख रहे हैं आइडेंटिफाई पिरामिड बी एंड सी. तो बी आपका क्या है, डिक्लाइनिंग, है ना, और सी आपका क्या है, स्टेबल. तो ये बिल्कुल आप देखेंगे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ भी है. और हम लोग क्या देख रहे हैं, राइट द बेसिस ऑन विच द अबव पिरामिड्स आर प्लॉटेड. तो ये किस बेसिस पर लिया गया है, तो ऑब्वियसली एज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बिकॉज आप जान रहे हो कि ये कौन सा पिरामिड है, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन है और आप देख रहे हो एज के बेसिस पर इसको लिया गया है एंड दीज आर एज पिरामिड्स, है ना. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिकॉज पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड ऑन दैट बेसिस ये आपका जो पिरामिड्स है वो लिया गया है. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि राइट द बेसिस ऑन विच द अबव पिरामिड्स आर प्लॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, बिकॉज आपको पता है कि पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज. तो बच्चों सेक्शन डी तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. अब बचा है सेक्शन ई जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. और अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन ई का भी डिस्कशन हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए. ओके बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं और जमकर पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि नीट आपका सही से क्वालिफाई हो सके. Thank you.